हेलो गाइज। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, उसके क्या क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस जो इधर होता है, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इधर हम लोग क्या करते हैं, कुछ एंगल जो थीटाज होंगे, जो स्टैंडर्ड एंगल है, उसके क्या क्या वैल्यू होता है। सपोज दैट हम लोग पहला एंगल ले लिए 0 डिग्री, दूसरा एंगल जो होगा हम लोग का वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री, नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा 45 डिग्री, उसके बाद नेक्स्ट ही हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्रीज, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर 90 डिग्रीज। इन सब के क्या क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे जो पहला हम लोग का होता है वो क्या होता है, साइन। तो अगर हम लोग को साइन थीटा, थीटा की जगह हम लोग 0 डिग्री रखें तो वो कैसे होगा, ये हम लोग का क्या हो जाता है जीरो, क्या हो जाता है जीरो। तो हम लोग इसको फाइंड कैसे करते हैं कि इसको जीरो लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे वन लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे टू लिख देंगे, इसको क्या लिख दिए थ्री लिख दिए, और इसको क्या लिख दिए फोर। अब हम क्या करते हैं, सबको फोर से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं सबको फोर से डिवाइड कर देते हैं, सबको क्या कर देते हैं फोर से डिवाइड, ठीक है फ्रेंड्स। तो फोर है, इसको भी क्या किया फोर से डिवाइड कर दिया। बस ये एक तरीका है कि याद करने का, हम लोग कैसे याद निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है फ्रेंड्स। सबके ऊपर क्या कर दिए स्क्वायर रूट लगा दिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे स्क्वायर रूट के ओवर अगर हम लोग जीरो है, 0/4, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, और बाहर आके ये क्या हो जाएगा जीरो। 30 डिग्री के लिए क्या बोले स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, तो 1/4 से हम लोग का वन बाहर आएगा, और फिर क्या आ जाएगा टू, क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, 1/2 हो जाएंगे। जैसे इसको करें तो ये से क्या करेंगे, दो बार में ये कट जाएगा, तो ऊपर से हम लोग का क्या आ जाएगा वन, और टू का स्क्वायर रूट क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा √3, फोर बाहर आके क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ फोर और फोर में देखेंगे दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा वन, दैट मीन्स ये बाहर आके क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली नेक्स्ट हम लोग का आता है कॉस थीटा, क्या आता है कॉस थीटा। तो क्या बोले थे कि कॉस थीटा को बस हम लोग उल्टा साइड से लिख देते हैं, तो जैसे हम लोग का ये 0 डिग्री, यहाँ 0 है तो इधर क्या है वन है, उधर से लिखना शुरू करते हैं, तो ये 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा वन, दैट मीन्स कॉस 0 डिग्री पूछेगा तो क्या बोलेंगे वन। सिमिलरली कॉस 60, जब इसको इधर हम लोग ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा √3/2, ये क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग का क्या है 1/√2, क्या है 1/√2, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम लोग का क्या है, ध्यान से देखिए, तो 1/2, फिर क्या है 1/2, ये क्या है 1/2 है, और फिर नेक्स्ट हम लोग का क्या है जीरो है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग साइन और कॉस के बारे में देख लिए कि क्या क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स, अलग अलग रेशियोज। उसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या हम लोग देखेंगे टेन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग अब क्या देख रहे हैं टेन थीटा, ये क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा का रेशियो होता है, दैट मीन्स साइन अगर 0 है और कॉस 1 है तो 0/1 क्या हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा। अगर 1/2 और बटर √3/2 करें तो ये हम लोग का 2 और 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1/√3, क्या बच जाएगा 1/√3, ठीक है फ्रेंड्स। ये 1/√2 और ये 1/√2, ये दोनों का अगर हम लोग रेशियो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा वन, क्योंकि सेम नंबर है तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। सिमिलरली √3/2 और 1/2, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 मेरा कट जाएगा, क्या बच जाएगा √3, क्या बच जाएगा √3, ठीक है फ्रेंड्स। और 1/0, किसी को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है अनडिफाइंड, क्या हो जाता है अनडिफाइंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके नेक्स्ट हम लोग का क्या होता है कि कॉट थीटा, क्या हो जाता है कॉट थीटा, किसका देखेंगे कॉट थीटा का, ठीक है। इसको फिर से उधर से लिख देते हैं, ये 1/10 होता है, या हम लोग इसको इधर से भी लिख सकते हैं। 1/10 करेंगे कॉट थीटा को तो क्या हो जाएगा, तो 1/0 ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग का नंबर क्या है √3, फिर नेक्स्ट हम लोग का क्या है √3 है, उसके बाद हम लोग का क्या है वन है, उसके नेक्स्ट क्या है हम लोग का 1/√3, उसके नेक्स्ट हम लोग का क्या है 1/√3, और फिर उसके नेक्स्ट हम लोग का क्या है जीरो। दैट मीन्स अगर हम लोग टेन में इधर से लिखे हैं तो क्वार्ट में हम लोग को क्या करना है उधर से लिख देना है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत, क्वार्ट में हमको क्या करना है उधर से लिख देना। जैसे हम लोग साइन में इधर से 0 से लिखते गए थे तो हम लोग कॉस में क्या करेंगे उसको उस तरफ से लिखते आएंगे। उसके जो नेक्स्ट आएगा हम लोग का आता है फ्रेंड्स सेक थीटा, क्या होता है
सेक थीटा, ये क्या होता है वन बाई कॉस थीटा होता है, सेक थीटा मेरा क्या होता है वन बाई कॉस थीटा, ठीक है फ्रेंड्स, सेक थीटा मेरा क्या होता है वन बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा मेरा क्या था वन बाई टेन थीटा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वन बाई कॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वन बाई वन मेरा वन ही रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली इसको अगर रूट थ्री बाई टू है कॉस, तो अगर इसको वन बाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टू बाई रूट थ्री, क्या हो जाएगा टू बाई रूट थ्री। सिमिलरली ये वन बाई रूट टू है तो ये क्या हो जाएगा रूट टू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर ये मेरा वन बाई टू है तो ये क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, और ये जीरो है तो इसको क्या लिख सकते हो जीरो बाई वन, और इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वन बाई जीरो, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा हम लोग का अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग उसके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का क्या आता है कॉसेक, क्या आता है कॉसेक थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कॉसेक थीटा क्या होता है वन बाय साइन होता है, दैट मीन्स वन बाय अगर हम लोग जीरो करें, क्या बोले टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कॉस और सेक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम लोग साइन का रेसिप्रोकल लेंगे तो जीरो बाय वन है तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर जो वन बाय टू है इसका उल्टा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर वन बाय रूट टू है तो ये क्या हो जाएगा रूट टू हो जाएगा, ठीक है। फिर रूट थ्री बाय टू है तो ये क्या हो जाएगा टू बाई रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर ये वन है तो वन बाय वन हम लोग का क्या हो जाएगा वन ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार अब हम लोग फिर ध्यान से देखते हैं इस टेबल को, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का क्या है 90 डिग्री के लिए कॉलम है, ठीक है। ये हम लोग का क्या है 60 डिग्री के लिए जो कॉलम है, अच्छा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उसका वैल्यू क्या होता है। ये हम लोग का क्या है 30 डिग्री के लिए क्या कॉलम होता है, उसके नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि 0 डिग्री के लिए क्या कॉलम्स है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग देखें कि ये जो 6 कॉलम है ये क्या क्या इस टेबल को हम लोग कैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का टेबल था कि वह 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार साइन को फिर से देखते हैं, ये क्या है जीरो बाई क्या है हम लोग का जो सबसे पहला आया साइन, उसको हम कैसे लिखे। एक तरीका हम बताए थे कि जीरो लिखते हैं, वन लिखते हैं, टू लिखते हैं, थ्री लिखते हैं, फोर लिखते हैं, फिर सबको क्या किया फोर से डिवाइड कर दिए, ठीक है, और उसको स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिए। बस ये याद करने का एक तरीका है फ्रेंड्स, ये कैसे आता है हम लोग आगे बताएंगे कि इसका वैल्यू ऐसा क्यों होता है, तो बस ये याद करने का तरीका है। तो जीरो बाय फोर हम लोग का क्या हो गया जीरो, वन बाय फोर स्क्वायर रूट से बाहर आ गया वन बाय टू, और टू बाई फोर है दैट मीन्स टू बाई फोर दो बार में कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा वन बाय रूट टू हो जाएगा। सिमिलरली रूट थ्री बाय फोर है तो रूट थ्री ऊपर आ जाएगा और फोर क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, फोर बाय फोर क्या है वन है। तो कॉस थीटा को क्या बोले थे, इधर से हम साइन थीटा लिखें तो उधर से कॉस थीटा लिख देंगे, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा जीरो, फिर क्या है जीरो के बाद क्या वन बाय टू, तो इसके इधर से लिखेंगे जीरो से क्या हो जाएगा वन बाय टू, फिर ये वन बाय रूट टू है तो वन बाय रूट टू, फिर क्या रूट थ्री बाय टू, तो यहाँ से क्या हो गया रूट थ्री बाय टू हो गया, फिर वन है तो यहाँ क्या हो गया वन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग देखते हैं कि इसको किधर से लिखना शुरू किए हैं इस साइड से, ठीक है फ्रेंड्स, कि जो यहाँ है उसके जो नेक्स्ट है उसको हम नेक्स्ट वाले में लिखेंगे, फिर उसका नेक्स्ट यहाँ है, फिर उसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ है, फिर इसको हम लोग कहाँ ले आए तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल में लिखे। फिर टेन थीटा मेरा क्या होता है कि साइन बाय कॉस का रेशियो, तो जीरो बाय वन क्या कर दिए जीरो, जो हम लोग ये टेन थीटा लिखे हैं इसको कैसे किए हम लोग साइन बाय कॉस, क्या किए साइन बाय कॉस के, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का क्या आया टेन आया, तो जीरो बाई वन करेंगे जीरो हो जाएगा वन बाय टू, अब बटर रूट थ्री बाय टू करेंगे तो क्या होगा टू और टू कट जाएगा वन बाय रूट थ्री बच जाएगा, ये दोनों सेम नंबर है इसलिए इसका रेशियो वन हो गया, रूट थ्री बाय टू है और ये वन बाय टू, टू टू कट जाएगा फिर से क्या हो जाएगा रूट थ्री, ये इन्फिनिटी। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस साइड से लिखना शुरू करेंगे इसमें, तो टेन जीरो है तो ये जीरो हो गया, वन बाय रूट थ्री है तो ये वन बाय रूट थ्री हो गया, वन है तो वन हो गया, रूट थ्री है तो रूट थ्री हो गया, और इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी हो गया। फिर जो हम लोग सेक थीटा लिखे हैं इसको क्या लिखे हैं वन बाई कॉस थीटा लिखे, क्या लिखे वन बाई कॉस थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वन बाई वन वन हो गया, रूट थ्री बाई टू को अगर वन से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टू बाई रूट थ्री, सिमिलरली वन बाय रूट टू है तो रूट टू हो जाएगा, वन बाय टू है तो टू हो जाएगा, और जीरो है तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। सिमिलरली कॉसेक को कैसे लिखे हम लोग फ्रेंड्स वन बाई साइन थीटा, इसको कैसे लिखे वन बाई साइन थीटा, तो ये जीरो है तो जीरो बाय वन इसको उल्टा करेंगे वन बाय जीरो हो जाएगा दैट मीन्स इन्फिनिटी, ये वन बाई टू है ये टू हो जाएगा, वन बाय रूट टू है तो रूट टू हो जाएगा, रूट थ्री बाय टू है तो ये क्या हो जाएगा टू बाय रूट थ्री, और ये वन है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा वन। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज टेबल होते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल है, वेरी वेरी यूजफुल है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इसका बहुत ही आगे यूज होने वाला है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे इसका यूज कि इसका क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो फिलहाल हम इसको कैसे टेबल को बनाते हैं ये सीख गए, और धीरे धीरे आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर लाइक आया, पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।